सो हे गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और अभी मैं व्लॉग कब स्टार्ट कर रही हूँ, नाइट में एक्चुअली। अभी हो गया 9:30 का टाइम और मैं अभी एक वीडियो शूट कर रही थी। आज मैं मॉर्निंग से सोच रही थी कि वीडियो शूट करूँगी, एक्चुअली ये पेंडिंग चल रहा था 2-3 दिन से। मैंने पैक तो सब कुछ कर लिया था। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं हॉस्पिटल बैकपैक का वीडियो बनाने वाली थी और मैं 2-3 दिन से सोच रही हूँ, बैकपैक भी कर लिया है और वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ। सारी चीज़ों का वेट कर रही थी, अमेज़न से कुछ चीज़ें मंगाई थी मैंने, तो वो मैं वेट कर रही थी। सो आज फाइनली मैंने सोचा आज मैं नाइट में ही शूट कर लेती हूँ। तो खाना वगैरह मैंने खा लिया था और आज मैंने ड्राई चिकन खाया। हाँ जी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से मन कर रहा था, मैंने नहीं खाया था, तो जो डाइट वाला रहता है ना वो वाला मैंने खाया, क्योंकि मुझे एकदम मसाला सारा वाला मना है। सो थोड़ा सा मैंने खा लिया, तो अभी भूख नहीं है बिल्कुल भी। सो अभी मैं बस वीडियो शूट कर रही थी और ये आउटफिट पहना हुआ है मैंने, आपको दिखा दिया आई गेस मैंने पहले अपने वीडियोज़ में। सो ये मैंने ऐसी फ्लिपकार्ट से मंगाया था। सो ये व्हाइट कलर में है, ऑफिस वेयर के लिए अच्छा है। इसका एक शॉर्ट्स भी आपको देखने को मिल जाएगा ऑफिस वेयर से रिलेटेड। और मैंने आज कुछ न्यू ट्राई किया है, मैंने कुछ हैवी आई शेडो लगाया हुआ है ब्लू कलर से, इससे मैच करता हुआ, क्योंकि व्हाइट एंड ब्लू का प्रिंट है। और बस मैंने आईज ही हैवी की और कुछ भी नहीं किया हुआ है। सो मैं भी आपको दिखा देती हूँ मैस मैंने कैसे, मतलब शूट करने के बाद मैंने क्या हाल कर दिया। एज यू कैन सी द होल मेस, और इसको अभी सब कुछ समेटना है और मुझे नहीं लगता कि आज मैं पूरा कर पाऊँगी, कुछ कुछ चीज़ें रख लूँगी। सो ये वाला बैग है ना, मैंने रिव्यू मॉल से लिया था आई थिंक धनतेरस के टाइम पे, तो ये वाला बैग मैं लेके जाऊँगी हॉस्पिटल में। सारा सामान तो इसमें नहीं आ पाएगा, क्या आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सामान है, मेरा और बेबी का पूरा ही सामान इसमें नहीं आ पाएगा। ब्लैंकेट वगैरह है, उसके लिए नॉर्मल कोई बैग ले लूँगी अलग से। बाकी जो चीज़ें हैं वेयर करने वाली, यूज़ करने वाली, पर्सनल यूज़ वाली, वो सारी मैं रख लूँगी इसमें, दोनों का रख लूँगी, बेबी और मेरा। अभी वीडियो शूट हो गया है, अब मैं चेंज करूँगी और अपना मेकअप रिमूव करूँगी, देन देखते हैं अभी फिर मेडिसिन वगैरह खा के। और नींद तो आने वाली नहीं है, क्योंकि आज मैं एक सीरीज़ देख रही थी, कुछ ना कुछ आजकल मैं सीरीज़ पकड़ लेती हूँ, तो आज संडे तो मैं सीरीज़ देख रही थी। वैसे मेरे क्या संडे मंडे, मैं तो छुट्टी पे ही हूँ। तो सीरीज़ देख रही थी मैं मिस मैच, तो वो देख रही थी। और मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, मैं कोई भी सीरीज स्टार्ट करती हूँ तो फिर मुझे उसी दिन ख़त्म करनी है, इसलिए मैं आज डे में भी व्लॉगिंग भी नहीं कर पाई और ना तो मैं वीडियो अपना शूट कर पाया। डे में प्लान था कि डे में वीडियो शूट करूँगी, बट नहीं हो पाया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी टाइम नहीं वेस्ट किया जाता, अभी कर लेते हैं। और पीछे मैंने लाइट लगाई थी दिवाली के टाइम पर और आई थिंक परफेक्ट लग रही है, ठीक है, काम चलाओ। बस तो फिर अभी मैं अपनी मेडिसिन वगैरह खाऊँगी, उसके बाद अभी मेकअप रिमूव करती हूँ, चेंज करती हूँ, देन आपसे मिलती हूँ फिर। सो हे गाइज, दिस इज़ अनदर डे और आज है मेरे रिलेटिव का बर्थडे। एक्चुअली मौसी हैं, उनके बेटे के बेटी का बर्थडे है, तो हर्षिता का। तो हम लोग जा रहे हैं राजहंस यहाँ पे, और जस्ट मेरी जहाँ मैरिज हुई थी उसके बगल में ही होटल है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। सो मम्मी और मैं अभी बस निकल रहे हैं, तो मिलती हूँ मैं आपको अपने मिलती हूँ मैं वहीं पर डायरेक्टली जाके। सो टिल देन बाय बाय। डाउनलोड करिए ओरिजिनल। Thank you.
जय। और आपको लग रहा होगा कि बस इतना सुबह सुबह मैं मेकअप करके क्यों बैठी हूँ। एक्चुअली अभी 12:30 टाइम हो रहा है, आफ्टरनून हो गया है और मैं सोई थी, मतलब मैं रात में फिर आकर व्लॉगिंग नहीं कर पाई, बर्थडे से आकर मैं बस सो गई। और मैं सोई थी मॉर्निंग के 4 बजे क्योंकि मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल आ रहा था सोने में, बहुत बैक पेन हो रहा था, इसलिए मैंने फिर नहीं किया व्लॉगिंग। और कुछ बस ऐसे सीरीज़ वगैरह देख रही थी तो उसे टाइम पास हो रहा था। उसके बाद मॉर्निंग में सोई हूँ तो बस मैं 10:30 और 11 o'clock उठी हूँ। देन खाना वगैरह खा के मैंने पूरा एक टाइप से मैंने लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ ही खा लिया। सो बस अभी आज बहुत और हिम्मत करके, मतलब आजकल मैं वीडियोस कम शूट कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं बहुत अनइजीनेस लगता है और सांस मेरी बहुत फूलती है तो मतलब एकदम ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, होता है अभी 8 मंथ में ये सारी चीज़ें होती हैं तो इसीलिए। और जो भी मैं शूट कर रही हूँ वीडियोस वो आप तक पहुँचते रहेंगे तो प्लीज़ लाइक करिए क्योंकि अभी बहुत, मतलब बहुत मुश्किल से मैं शूट कर पाती, मेरे बहुत टफ हो जाता है शूट करना। सो जितने वीडियोस मैं डाल पा रही हूँ प्लीज़ लाइक करो उसको और चैनल सब्सक्राइब करिए। सो ये वाला व्लॉग, मैं 2 दिन का व्लॉग था ये छोटा सा, तो ये मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। अभी बस जा रही हूँ, एक मेरे को और फिल्म करना है एक वीडियो जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो ड्रेसेस का है और ड्रेसेस ना मैटरनिटी ड्रेस का नहीं है, वो आप नॉर्मल ड्रेस भी एज अ मैटर आप प्रेगनेंट हो तो पहन सकते हो किस तरीके से। तो कुछ मैंने वेस्टर्न ड्रेसेस मंगाई थी और मैंने क्यों मंगाई थी वो आपको मेरे आने वाले व्लॉग्स में मालूम चल जाएगा। सो मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, लव यू ऑल और प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो बाय बाय।